साकी का हिंदी वर्जन देखने के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। नेहता कालू जी अक्सर इस गल तो चिंतित रहते सन कि उन्हां दे पुत्तर दा मोह संसारक जीवन विच बिल्कुल नहीं है। एक दिन मेहता कालू जी ने गुरु जी नूं कहा, नानक जे तुसी मज्जा गावां बाहर चरा आया करो तां जिथे इन पशुआं दा पेट भरेगा उत्ते तुहाडा आलस भी दूर होवेगा। श्री कृष्ण भगवान भी तां मज्जा गावां चरान जांदे सन, तुसी भी अपने पशु चरान बाहर जाया करो। पिता जी दी आग्या श्री गुरु नानक देव जी ने स्वीकार कर लई अते जदों गावां मज्जा चरान लई आप जान लगे तां माता जी ने गुरु जी नूं भुख लगन ते कुछ खान लई नाल बांध दिता। गुरु जी पशु चरान लई घर तों निकल गए। गावां मज्जां जंगल विच इक पासे छड के श्री गुरु नानक देव जी एकांत स्थान ते बैठ गए। अपने सुभा अनुसार श्री गुरु नानक देव जी ईश्वर दे ध्यान विच लीन हो गए। उधर गावां मज्जां चरदियां चरदियां हरी भरी खेती विच वड़ गईयां। पशुआं ने आराम नाल खेती दी फसल नूं खादा अते सारा खेत अस्त व्यस्त हो गया। एने विच ही खेत दा मालक उत्थे आ गया। हे रब्बा, सारी खेती नष्ट हो गई, सारी मेहनत दे पानी फिर गया। हे नानक, मैं जानता हाँ कि तुसी पटवारी दे पुत्तर हो ते ए पशु तुहाडे हन, इसलिए फसल बर्बाद होन ले जिम्मेवारी भी तुहाडी ही होएगी। ए कह के ओ रोज दिखान लगा, गुस्से विच क्यों आंदे हो? जेकर बेजबान पशुआ ने थोड़ी जिही फसल खा भी लई ता एना वड्डा की हो गया? परमात्मा इस विच ही तुहानू उत्पत्ति देवेगा। गुरु जी ने बहुत समझाया पर वो जट बोलदा ही रहा। ऐवे थोड़े होंदा है कि किसी भी खेत विच कोई भी चला जाए। खेती बाड़ी किन्नी मेहनत नाल होंदी है। मैं हुणे जाकर राय साहब नूं सारी गल दसदा हां। ते अपनी शिकायत लेके राय बुलार दे कोल पहुंचा। देखो हुजूर, पटवारी दे पुत्तर दे पशुआं ने मेरी सारी खेती बर्बाद कर दित्ती हन, मेरी मेहनत दे पानी फिर गया है। सुनन वालिया ने भी कहा, ओ भाई, नानक ता मस्त लड़का है, उस दे पिता जी नू बुलाओ। कालू जी, तुसी अपने पुत्तर नू समझाओ, इसने गरीब जट दी सारी खेती नष्ट कर दित्ती हन, ए जे ही लापरवाही ठीक नहीं। हुजूर, ए बालक मस्त मोला है, कुछ कम नहीं करदा। राय बुलार ने न्याय दी दृष्टि नाल कहा, ता ठीक है, जो नुकसान इस गरीब दा होया है उसकी भरपाई तुसी करोगे। श्रीमान जी, इस जट दा तिनका भी नष्ट नहीं होया, चलो तुसी खुद चल के इन्हां दे खेत देख लो। हुजूर, मैं गलत नहीं बोलदा, खेती विच एक बूटा नहीं बचया। हुन खेती नूं देखन लई राय बुलार ने अपने सिपाही भेजे। सिपाहियां ने खेत विच देखिया। पर खेती दा कोई नुकसान नहीं सी होया। जट नेमी जदो अपने खेत देखे तो बहुत हैरान हो गया। गुरु जी अते मेहता कालू जी अपने घर वापस चले गए। एक दिन गुरु नानक देव जी भोजन कर रहे सन, उस वक्त एक ज्ञानी पंडित उना दे कोल आए। उना दे आंदे ही गुरु जी ने उना नू कहा, आओ भोजन कर लवो। पंडित जी ने कहा, मैं सुचमता दा बहुत ध्यान रखदा हां, इसी कारण जदो भी मैं भोजन पकांदा हां ता मैं सब तो पहला 2 इंच जमीन खोददा हां, फिर उस जमीन नू साफ करदा हां, फिर मैं पानी नाल लकड़ा नू धोंदा हां ते फिर बाद विच ही मैं भोजन पकांदा हां। गुरु जी ने कहा, तुहाडा जिथे मन करे जमीन खोद लवो अते अपने आप भोजन पका लवो, मैं तुहानू दाल अते आटा दे देवांगा। पर जिवें ही उना ने जमीन खोदी, उना ने देखिया कि उत्थे हड्डियां पईयां होईयां सन। पंडित जी बोले, ठी ठी ठी, ए जमीन ता अपवित्र है, मैं दूजी जगह ते जमीन खोददा हां। पंडित जी ने जिवें ही दूजी जगह ते जमीन खोदी, ओ हैरान हो गए, उत्थे भी हड्डियां ही सन। इसी तरह पंडित जी ने कई थावां ते जमीन खोदी।
सब जगह ते उन्हां नूं हड्डियां ही मिलियां। हुण पंडित जी बहुत थक चुके सन। वो थक हार के गुरु जी दे कोल गए अते उन्हां नूं कहन लगे, मैनू बहुत जोर दी भुख लगी है, आप जो भोजन कर रहे हो ओही भोजन मैनू दे दो। गुरु जी ने पंडित जी नूं कहा, उस वक्त जदों मैं तुहानू भोजन करन लई कहा सी ओह वक्त गुजर गया है, पर हुण तुसी बाहर जाओ अते ईश्वर दा नाम लै के जमीन खोदो। पंडित जी ने उसे तरह ही किता जिवें गुरु जी ने उन्हां नूं कहा सी। हे ईश्वर कृपा करो। हुण गुरु जी दी कृपा नाल बिल्कुल साफ जमीन निकली। पंडित जी ने उत्थे भोजन बनाया। भोजन करन तों बाद ओ गुरु जी दे कोल गए। गुरु जी ने पंडित जी नूं कहा, सुचमता पवित्रता दे बारे विच आप दे विचार सच तों परे हो गए हन। गलत धारनावां ने आप नूं अंधविश्वासी बना दिता है। जेकर तुसी पवित्रता सुचमता नूं ध्यान विच रख के एक अलग रसोई बनाओगे, पानी गंगा दा लियाओगे, सब तो उत्तम चावल अते ताजा दूध वरतोगे, मंत्रां दे उचारण करके भोजन नूं पवित्र करोगे, तां वी कोई फर्क नहीं पवेगा। जेकर तुहाडे कर्म गंदे हन, तुसी ग्रस्ती हो जा वैरागी, उच्च जाति दे हो जा नीवी जाति दे हो, हिंदू हो जा मुस्लिम, पढ़े लिखे हो जा अनपढ़ हो, तुहानू एक ही चीज मुक्ति दवा सकती है, ओ है तुहाडे कर्म। ऐसी सुचमता सही नहीं है जो किसी दी जात धर्म रंग रूप नू देख के कीती जावे। प्यासे नू पानी अते भुखे नू भोजन इंसान समझ के करवाओ, ना कि उस दी जात धर्म रंग जा रूप नू देख के। पंडित जी नू ज्ञान दे के गुरु जी अपनी अगली यात्रा ते निकल गए। सतनाम श्री वाहिगुरु। हुण तुसी साडी एप्लीकेशन विच साखियां कैटेगरी वाइज देख सकते हो, गुरबाणी सुन सकते हो अते पढ़ सकते हो। ऐप डाउनलोड करन दे लई अते सानू सपोर्ट करन लई डिस्क्रिप्शन देखो। सतनाम श्री वाहिगुरु।